आपने कैसे अपने धनु विद्या को प्राप्त किया और जब गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे क्या मांगा। गुरु द्रोणाचार्य जो थे बेटा वो कौरव पांडव दोनों को ही धनु विद्या की शिक्षा दिया करते थे, लेकिन एकलव्य को क्यों नहीं देते, क्योंकि वो बहुत ही नीच जात का था। मीन्स कहते हैं पहले क्या होता था, जो संस्कृत होती थी वो सिर्फ ब्राह्मणों की ही वाणी कहा जाती थी, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं जो धनु विद्या ही है जो कौरव पांडव को ही सीखने को, जैसे आज है कोई भी सब्जेक्ट होता है कोई भी सीख सकता है, ठीक है, पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। गुरु भी देख करके शिक्षा प्राप्त देते थे कि कौन सा विद्यार्थी किस कुल का है, तो उसे वो शिक्षा प्राप्त कर देते। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर एक गुरु भक्त एकलव्य को पढ़ते हैं और उससे ये जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने कैसे छल कपट में आके एकलव्य से उसके हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगा था। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर एक स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर एट है, सिस्टा पाठ, ठीक है, गुरु भक्त एकलव्य, मीन्स एकलव्य के विषय में इसमें बताया गया है। देखिए, पूरा द्वापर युगे द्रोणा नामा धनुर्विद्या आचार्य अभवत। प्राचीन काल में द्वापर युग में एक द्रोण नाम के धनुर्विद्या के आचार्य हुआ करते थे। स कौरव वान पांडव चा पठिन्ति सम, मीन्स वो क्या था, कौरव पांडवों को शिक्षा दिया करते थे। भारतवर्ष से तस्य सर्वत्र ख्याति अस्ति, भारतवर्ष में उनकी बहुत ही प्रसिद्धि थी, मीन्स बहुत ही ख्याति थी, ठीक है। द्रोणाचार्य भगत परशुरामस धनुर्विद्या शिक्षिता अस्ति, जो द्रोणाचार्य थे वो भगवान परशुराम से धनुर्विद्या सीखे थे। द्रोणाचार्य ने जो विद्या सीखी थी वो किससे सीखी थी, परशुराम जी से सीखी थी। तस्मिन काले हिरण्या धनु नामा एक भील अस्ति। तस्मिन काले मतलब उस समय में हिरण्या धनु नाम का एक भील हुआ करता था, भील होता था। एकलव्य नामा तन्या, उसका एक जो पुत्र था उसका नाम क्या था, एकलव्य था। सा धनुर्विद्यानम आगंतुम द्रोणाचार्यस्य समीपे आगच्छत, सा मने वह जो था वह धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के समीप गया। एकलव्य द्रोणाचार्य कथे, एकलव्य ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुवर अहम त्वां शिक्षय भवन्तु इच्छामि, मैं आपका शिष्य बनने की इच्छा करता हूँ, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं आपका शिष्य बनूँ या मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। अहम राजकुमार आचार्य अवदत्त, उन द्रोणाचार्य ने कहा, अहम माने मैं राजकुमाराम पाठ्यामि युद्धांश जनेन समयो नास्ति, मीन्स मैं जो होता हूँ जो सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। बोले कि मैं राजकुमार को ही पढ़ाता हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है। द्रोणाचार्य एकलव्य संभवतः शूद्र मानता ना आशिषित, द्रोणाचार्य ने समता सूद समझकर शिक्षा निधि में जो जैसे हम लोग कहते हैं शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जो निम्न कास्ट के होते थे उनको वो शिक्षा नहीं देते थे, लेकिन सिर्फ उनको किसको शिक्षा देते थे, राजकुमारों को। गौरव पांडव जो थे वो राजकुमार थे, तो उनको वो धनुर्विद्या सिखाते थे, ठीक है। एकलव्य निराशो न भवत, एकलव्य जो था वो निराश नहीं हुआ। तस्य गुरु भक्ति स्थला न जात, उसने अपने गुरु भक्ति को कमजोर नहीं पड़ने दिया। सा वने द्रोणाचार्यस एक मूर्ति निर्माण वृक्षस आगत स्थापित धनुर्विद्या अभ्यासम अक्रोध, मीन्स उसने क्या किया, जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे क्या किया, द्रोणाचार्य की मूर्ति का निर्माण किया। मिट्टी के द्वारा उस द्रोणाचार्य की मूर्ति को उसने क्या किया, बनाया और उसके सामने वो अभ्यास करने लगा। पुनः अभ्यास सा श्रेष्ठ धनुर्विद्या, पुनः मिस बार बार अभ्यास करने से वो क्या हुआ, बहुत अच्छा धनुर्विद्या में वो निपुण हो गया मिस। लेकिन जो द्रोणाचार्य थे उनको क्या डर था, उनको ये डर था बेटा कि कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन जो है वो पीछे रह जाए और एकलव्य बहुत अच्छा धनुर्विद्या सीख कर निजात में क्या हो, अपने नाम को सर्वश्रेष्ठ ख्याति के नाम से प्रसिद्ध करे। इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि तुम निजात के हो, मैं तुम्हें शिक्षा ग्रहण, मतलब
मैं तुम्हें धर्म विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। एकदा एक बार पांडव नामक एक का कुकरा एकलव्य दुष्ट अभर। पांडव जो थे वो अपने साथ एक कुत्ता रखते थे। वो कुत्ता क्या था, वो एकलव्य उसको एकलव्य को देख कर भोंकने लगा। एकलव्य वाणो तस्य कुकरस्य मुखम आसीत। मैं उसने क्या किया, एकलव्य ने सोचा अब यही मेरी किसी समय मैं अपनी शिक्षा को इनके सामने प्रदर्शित कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, वो उसने ऐसे वाण चलाए कि उस जो कुत्ता था उसका मुंह जो था वो वाणों से सिल दिया। द्रोणाचार्य एतत् सर्वत्र ज्ञानम एकलव्य समीपक। ये सब सुन करके द्रोणाचार्य एकलव्य के समीप गए, एकलव्य के पास गए और उन्होंने कहा, स शिष्य कथवत एकलव्य। उन्होंने एकलव्य से कहा कि तुमने मेरी मूर्ति बना ली है और उस मूर्ति के द्वारा तुमने धनुर्विद्या का अभ्यास किया है, तो मैं भी तुमसे गुरु दक्षिणा लेने के लिए कह सकता हूँ। मैं भी तुमको तुमसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। एकलव्य गुरु इच्छा अनुसरण तस्मय गुरु दक्षिणा स्वगंतुम कत्वा आगच। अब यदमिश उसने कहा कि गुरुजी आप अपनी इच्छा के अनुसार हमसे क्या करिए, गुरु दक्षिणा मांगे, मतलब अपनी संकोच होकर के हमसे आप गुरु दक्षिणा मांग सकते हैं। धन्य खुल्ला एकलव्य गुरु भक्ति। धन्य है एकलव्य की गुरु भक्ति। उन्होंने गुरु एकलव्य की जो गुरु भक्ति थी वो बहुत ही धन्य थी। उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था, उसके बाद कहाँ अंगूठा मांग ले, जिससे कि वो धनुष बाण जब वो उसकी जो कमान होती जब खींचता है तो अंगूठे के द्वारा ही खींचता ना, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम इससे इसका अंगूठा मांग ले, जब इसके पास अंगूठा ही नहीं रहेगा तो ये धनुविद्या कैसे प्राप्त करेगा। सर्वेश शास्त्रेषु गुरु भक्ति उत्कृष्ट मता। सभी शास्त्रों में उपलब्ध के गुरु भक्ति का बहुत ही प्रसिद्ध है। उक्ता चा गुरु महत्व। जैसा कि कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् देवो गुरुर् महेश्वरा गुरुर् गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो होता है वो ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु परम देव को देवों का देव है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है जिसने हम सबको क्या किया है, गुरु के द्वारा ही हम अच्छे और बुरे ज्ञान का प्राप्त हो सकता है। मतलब गुरु के द्वारा हमें पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन बेटा कभी गुरु को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किस जात का हम कैसे। गुरु के लिए बेटा सभी शिष्य समान होते हैं। गुरु जो होता है वो हमारा एक तरह से आईना होता है। जैसे हम आईने तैयार होते हैं और आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, वो हमारे अंदर क्या क्या कमियां उसको बता देता है। उसी प्रकार गुरु भी होता है जो हमारे अंदर विद्वान जो कमियां होती हैं उसको वो बता देता है। बेटा आज मैंने आपको चैप्टर 8 गुरु भक्ति को एक्सप्लेन किया, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ना। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।